हेलो सर सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार पंकज जी, आपका पत्र मिला, क्या चाहते हैं आप? बहुत 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 धन्यवाद जी। सबसे धन्यवाद पहले तो पहले आपने तो आपने रिवाइट रिवाइट किया किया जी भाई। सर। सर, ग्राम ग्राम पंचायत में पंचायत में आपका आना आपका आना हुआ है वहाँ हुआ पे है कई वहाँ पे बार, कई तो बार आया हूँ भाई। वहाँ पे तो क्या वहाँ पे क्या है, है, पूरा का पूरा 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 कूड़ा जो कूड़ा है जो एरिया है एरिया का का वो एक वो जगह एक जमा जगह है। जमा है। तो एक तो तो एक तो समस्या ये समस्या है ये है कि कि इसका इसका समाधान तो समाधान निकाल लेते हैं, निकाल जैसे लेते हैं पूर्व जैसे ग्राम पूर्व प्रधान ग्राम थे या प्रधान लोग थे या लोग मिलके, मिलके कि वो कि वो कूड़ा हर कूड़ा हर महीने दो महीने महीने दो में उठ महीने के में कहीं उठ और के डल कहीं और जाता डल है। जाता है। लेकिन लेकिन इसका इसका ये ये परमानेंट परमानेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं नहीं है, है, क्योंकि पूरी ग्राम पंचायत के अंदर सर कोई भी जो घरों से कूड़ा निकलता है ना प्रतिदिन, उसे लेने के लिए कोई बंदा आता ही नहीं है। हेलो हेलो। ना हेलो हाँ शुल्क पे पंकज ना बात निःशुल्क पे। कीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। जी भाई, सॉरी सॉरी सर फोन सर कर फोन दिया कर था। गया था। अच्छा, मैं अच्छा ये मैं कह रहा ये कह था रहा था कि कि उसका उसका क्या है क्या है स्थायी स्थायी सोल्यूशन। सोल्यूशन पूरे पूरे एरिया में एरिया आप में आप देखिए, देखिए जैसे जैसे माल्या माल्या मेरे मेरे माँ माँ बाप बाप भी भी रहते रहते हैं हैं वहाँ वहाँ पे, पे, और और बहुत बहुत लोग लोग रहते रहते हैं। हैं। जो जो प्रतिदिन प्रतिदिन घरों से घरों से कूड़ा कूड़ा निकलता है, निकलता है, महिलाएं खाना महिलाएं खाना बनाती है घरों बनाती में, है घरों रसोई में, में, उस उस कूड़े को कूड़े लेने को के लेने लिए के लिए कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं नहीं आता, आता, ना ना पैसे पैसे लेके ना लेके ना फ्री में। फ्री में। देखो भाई, थोड़ा सा एक बात बताऊं जी आपको, मैं जी दो तरह जी के वो होते हैं। हाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चूंकि आपका शेखपुरा ग्रामीण क्षेत्र में हाँ जी, आता है, ग्राम पंचायत है वो। इसमें हर गांव पंचायत में एक या दो ही स्वीपर है मात्र। ये ठीक है शहरों की तरह, जैसे शहरों में तो नगर निकाय हैं 50-50, 100-100 है, जी, ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम दो मिनिमम एक, ठीक इस है तरह ठीक के हैं। तो है किसी ठीक भी गांव में एक या दो से संभव नहीं कि वो घर घर कूड़ा उठा सके, ये है संभव ही नहीं। आप भी समझते हैं जो प्रक्रिया शहर में, तो ये संभव है, ग्रामीण स्तर पे संभव नहीं है कि सरकार इतने आदमी लगा सके जो घर घर से उठा नहीं, सके। मैं आपकी मैं बात आपकी बिल्कुल बात मान गया बिल्कुल सर, मान गया सर। लेकिन लेकिन मेरा मेरा मानना मानना है है, अगर अगर कोई कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं नहीं है है तो तो शायद शायद हम हम सभी सभी को को मिलके मिलके उसे उसे बनाना बनाना चाहिए। चाहिए। उसे व्यवस्था को दो बात है, इसमें जी क्या व्यवस्था हो सकती है, ये व्यवस्था है अपने आप कुछ बनाने की। जो गांव में पंचायत बनाई जाती है वो उनके हैं, उनके पास पैसा भी है। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक गांव है गोयला, वहां प्रधान ने क्या काम किया कि पंचायत के फंड से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली खरीद ली, ठीक है ना भाई, और ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे गांव में घूम जाती है, जिसमें कूड़ा लोग अपने आप डाल देते हैं। ये पैसे भी हैं ग्राम भी, लेकिन ये व्यवस्था ग्राम पंचायत का बढ़ाने का काम है दोस्त। पैसे की कमी नहीं है कोई भी, ग्राम पंचायतों को इतना पैसा अब दिया जा रहा है कि अगर ग्राम प्रधान उसका सदुपयोग करने पावे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पंचायतें बनाई इसलिए गई है कि लोकल स्तर के काम ये करे, और इन्हें ही अधिकार है इस काम को करने का। गांव के डेवलपमेंट का सारा पैसा 100% फंडिंग प्रशासन के पास नहीं आता एक रुपया भी, सारा का सारा पैसा ग्राम पंचायत के उसमें आता है। तो ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर आप लोग बैठेंगे अगर कुछ लोग मिलकर, तो मैं सेक्रेटरी को बोल दूंगा गांव के, चूंकि अभी प्रधान नहीं है, अगले एक डेढ़ महीना अप्रैल के अंत तक प्रधान बनेगा, तो इसमें इनिशिएटिव लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि व्हीकल घूम जाए ग्राम पंचायत के पैसे से। एक ग्राम पंचायत के पास बहुत पैसा आता है भाई, सर, बहुत आपकी ज्यादा। आपकी बात आपकी बात सारी सारी शर्माते हैं, मैं शर्माते आपकी हैं, बात हाँ बिल्कुल मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल ही है, ऐसा ग्राम ही है ग्राम पंचायत की ही पंचायत की ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, हाँ भाई। लेकिन देखिए, लेकिन मैं देखिए, किसी मैं का किसी का पक्षधर भी नहीं हूँ पक्षधर ना भी क्यों ना विरोधी हूँ। विरोधी हूँ। पिछले 5 पिछले साल पांच में जो साल वहाँ में पे जो वहाँ ग्राम पे प्रधान ग्राम रहे हैं प्रधान वो रहे भी हैं रह वो के भी हट रह चुके के हैं, हट ठीक चुके है हैं। जी। अगर अगर आगे आगे आएगा आएगा वो वो भी भी रह रह के के हट हट जाएगा, जाएगा, लेकिन लेकिन ये ये समस्या समस्या नहीं नहीं रिजोल्व रिजोल्व होगी। होगी। नहीं, ये तो करनी पड़ेगी आपको, ये तो आपको ऐसा आदमी चुनना पड़ेगा जो इसमें इंटरेस्ट ले। देखो सुनो, जब जनता चुनती है तो जिम्मेदारी कुछ जनता की भी। आज आपने मुझे गलत चुना तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हो मेरे गलत चुनने में, या मैं काम अपना ढंग से नहीं करता दोस्त। अब लेकिन अगर वो सिस्टम फेल है तो किसी और के पास कोई काम करने की जगह नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत का पैसा सांसद के पास नहीं आ सकता कि सांसद इस व्यवस्था नहीं को सर, बनाता है। पैसा तो पैसा नहीं आ तो नहीं सकता आ है, बट सकता है, बट देखिए, देखिए एक एक पूरा का पूरा पूरा का जो पूरा जो व्यवस्था व्यवस्था बनी है बनी वो है वो ऐसे ऐसे बनी बनी है है कि कि ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत उसके ऊपर ऊपर विधानसभा विधानसभा का का एरिया, एरिया, उसके उसके ऊपर ऊपर संसदीय संसदीय क्षेत्र क्षेत्र का का एरिया, एरिया, ठीक बिल्कुल है एक प्रॉब्लम आप लोगों की है, बिल्कुल। आप मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, जी। सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी के नीचे नहीं है। जो काम लखनऊ स्तर के उनके लिए आप विधायक चुनते हैं प्रदेश सरकार के कामों में, जो काम केंद्र सरकार के स्तर के होते हैं उनके लिए आप सांसद चुनते जी हो, बिल्कुल और बिल्कुल, जो काम है ग्राम गांव के पंचायत उसमें में ग्राम, ये बिल्कुल अंडर नहीं आता, जी नहीं, अंडर बिल्कुल नहीं है किसी के जी अंडर कोई नहीं है दोस्त। जी 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 ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, हाँ 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 ये बिल्कुल अंडर सर कोई नहीं है। जी कुछ जी लोग अच्छे प्रधान अच्छा काम करते हैं, अच्छे सांसद अच्छा काम करते हैं, बुरे सांसद बुरा काम करते हैं, लेकिन ये जो भी होगा मामला इसमें, भाई फोन सुनो, ये मामला होगा लोकल स्तर पर, ये मामला का जो हल है ना आपका, जी ये मामले का हल होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके खतौली कस्बे की कूड़ा के निस्तारण की समस्या आ रही है, आप भी अखबार में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। तीन जगह ऐसी हो चुकी जहां जमीन अलॉट करवाई गई, जिस इलाके में भी जमीन अलॉट करवाते हैं लोगों को कूड़ा तो फेंकना है,
लेकिन मेरे आसपास में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था ना हो। जी, जहाँ कहीं जमीन लौटो वहीं विद्रोह की शुरुआत हो जाओ। सर अगर देखिए मैं आपको, हर आदमी को दोष क्या है पंकज बाबू, हर आदमी को बिजली चाहिए, खंबा नहीं चाहिए तार अपने जी, 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 हर आदमी को कूड़े का निस्तारण चाहिए, लेकिन कूड़े का निस्तारण उसके आसपास ना हो। जी जी, तीन गांव ने विद्रोह कर दिया, तीन गांव के आसपास में जिसने हुई थी, तीन गांव से विद्रोह हो चुका। मेरे गांव में जमीन खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर मैं भी पिपलैड़ा से ही बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले पिपलैड़ा में कुछ बनने वाला था, आप लोगों ने विद्रोह किया था। अब इसमें तरीका यही है कि खतौली का जो सीवरेज, इसका जो ये अपना कूड़े का बनेगा निस्तारण का, अब हम जमीन ढूंढ रहे हैं दोबारा, उसी में शेखपुरा जुड़वा के कूड़े के निस्तारण का खतौली के साथ हो सकता है, कूड़े के निस्तारण का। मेरी लेकिन ये जो लोकल स्तर है, ये लोकल स्थिति आपको करनी है दोस्त। कभी मैं गाँव में आऊंगा, अभी तो मैं पार्लियामेंट में बिजी हूँ, तो हम बैठ लेंगे, हम प्रधान को सेक्रेटरी को बिठा लेंगे, हम उन्हें सुझाव देंगे भाई ऐसा करो। सर आपकी बात काट के बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरी एप्लीकेशन भी पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राम पंचायत में आप 10-20 लोग अलॉट करा दो, आप मात्र एक बंदा हो जिसके पास रेड़ा या रिक्शा हो जो कूड़ा लेके जाए। नहीं, एक आदमी जो मैं बता दूं आपको, जो एक लगता है कर्मचारी आपके यहाँ होगा, मैं पता कर दूंगा कौन है, डॉक्टर साहब पता कर लेना बीपीआरओ से शेखपुर में कौन, वो आपके गाँव का कूड़ा नहीं उठा सकता, नॉट पॉसिबल। उसकी ड्यूटी क्या है वो सुन लो पहली, मुझे नहीं पता वो अपनी ड्यूटी ढंग से पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कल तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता कि 1000 गांव से ऊपर है मेरे क्षेत्र में किस गांव में कोई सफाई कर्मचारी, जो कि प्रधान का देखने का काम है। जी, जी। लेकिन पहले उसकी ड्यूटी है कि जो सरकारी प्रतिष्ठान है जैसे कि स्कूल और वो, उनमें झाड़ू मस्ट लगानी है। एक आदमी मुझे पता है जितना बड़ा गाँव का आपका है, संभव ही नहीं है कि एक आदमी पूरे गाँव में रेड़ा देकर निकल जाए, इज नॉट पॉसिबल। देखो तो प्रैक्टिकली जी ये पॉसिबल नहीं कि और घर से कूड़ा उठा सके, ये तो एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपके, क्योंकि आप शहर नहीं हो लेकिन शहर का पार्ट हो गए हो। कितना बड़ा है शेखपुरा, मेरे विचार से आबादी होगी 15,000 से ऊपर होगी होगी अब तो। हाँ लगभग उतनी होगी सर, मेरे ख्याल से 6-7 हजार के आसपास तो वोटर्स हैं, 8,000 है करीब यार मेरे विचार से। ठीक है, चलो किस दिन बैठेंगे खतौली जब करेंगे इस पर डिस्कस। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रिक्वेस्ट है आपकी प्लीज इसे कराने की, जैसे भी हो सकता हो। ये ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।